नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। सिरोही में खड्डे की भेंट चढ़ा ट्रक और देखते ही देखते खड्डे में अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रक। सिरोही में, जी हां, सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है लेकिन सत्य है। सिरोही में कल नगर परिषद सभापति ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को शांति नगर में टूटी सड़क को लेकर कई बार अवगत कराया था, लेकिन वही विभाग की अनियमितता कहो या कोई और, सिरोही शहर में अभी हल्की बारिश शुरू हुई थी कि शहर के शांति नगर मंडा व हनुमान जी के मंदिर की सड़कों पर गहरे गड्ढे हो गए जिससे कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दो दिन पहले एक महिला टूटी सड़क के कारण वो भी नीचे गिर गई थी, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गई, उसको गहरी चोटें नहीं आई। इस विषय को सिरोही सभापति ने गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन उसके बाद भी विभाग की हठधर्मिता मानो या अधिकारियों की लापरवाही रवैया, उनको अभी तक नींद नहीं उड़ी रही है। सिरोही के सड़कों की बात करें तो हल्की सी बारिश से सड़क पर गहरे गड्ढे हो जाते हैं जिससे कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज शांति नगर में पड़े गड्ढों से एक ट्रक चालक अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे चालक को गंभीर चोट आई। अब देखना यह है कि सामने प्रशासन ऐसे ही लापरवाह रहता है या अधिकारी इसके प्रति कार्रवाई करवाते हैं। सिरोही से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आपके द्वारा ये समस्या प्रशासन को बताई और मैंने अनिल जी ऐसी से बात की थी तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि हमने NH को पाली को हैंडओवर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मैंने उनसे यही विनती की कि आप अस्थायी तौर पर कुछ ना कुछ कीजिए, अन्यथा पहले भी हादसे होते रहे और होते रहेंगे। तो दुर्घटना न होना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी वजह से दुर्घटना होना और चेताने के बाद कुछ काम न करना इनकी लापरवाही है। और दोनों तरफ गड्ढे होने के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल स्लो था, इसको गड्ढे को बचाने के हिसाब से अनबैलेंस होकर गाड़ी पलट गया। आपका नाम? रामधन।